देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के क्रम में महर्षि दयानंद पुनर्वास संस्थान आगामी 28 दिसंबर को 1000 कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता महाअभियान का प्रारंभ करने जा रही है, जिसमें 50 विद्यालयों के लगभग 5000 के करीब छात्र एवं छात्राएं इस महाअभियान में भाग लेकर स्वच्छता अभियान का अलग जगाएंगी। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज के हृदय स्थल कुसुम सरोवर पर ब्रज की लोक संस्कृति जैसे लोक गायन, लोक वादन, लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं सप्त कोसीय परिक्रमा मार्ग को 21 सेक्टर में विभाजित कर पॉलिथिन एवं कचरा मुक्त करना और कुसुम सरोवर की सफाई, इसके अलावा सौंदर्यीकरण कर उसे 4 घंटे के लिए ब्रज झांकी के रूप में प्रदर्शन कर ब्रज की प्राचीन संस्कृति से लोगों को झांकी के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। लोगों को स्वच्छता के बारे में भी जागरूक करना संस्था का मुख्य उद्देश्य है। ये जानकारी कार्यक्रम के संयोजक आर अशोक शर्मा ने गोवर्धन कस्बे के होटल में प्रेस वार्ता के दौरान दी। सर, आज ये प्रेस वार्ता रखी गई, किस संदर्भ में रखी गई है? ये स्पेशली 28 तारीख को ब्रज में एक अनोखा कार्यक्रम करने के लिए, एक संदेश देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोगों ने किया। क्या क्या कार्य इसमें किए जा रहे हैं, क्या क्या आयोजन है? 28 तारीख को हम एक विशेष आयोजन कर रहे हैं। एक पूरा जो 21 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, इसको हम पूर्णतः कम्प्लीटली पॉलिथिन मुक्त करेंगे। पॉलिथिन मुक्त करने के साथ साथ जो कचरा इकट्ठा होगा उसका पूरा यथावत प्रबंधन भी किया जाएगा। इस पूरे कचरे को हम महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर ले जाकर वहाँ इसका प्रबंधन करेंगे। साथ ही कुसुम सरोवर पर हम एक आदर्श दृश्य उस दिन क्रिएट करने जा रहे हैं, जो अपने आप में अविस्मरणीय होगा। इसमें विभिन्न प्रकार की झांकियाँ होंगी। ब्रज की झांकी जैसे कि चरखुला नृत्य है, फूलों की होली है, मल्ल नृत्य है, मयूर नृत्य है, इस प्रकार के बहुत सारे आयोजन एक साथ वहाँ चलेंगे। 11 कुंडी हवन होगा, स्वच्छता पर हमारे बहुत अच्छे अच्छे एक्ट, इसमें 20 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, विभिन्न मंत्री, विभिन्न IAS ऑफिसर, विभिन्न IPS ऑफिसर, हमारे ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माननीय उपाध्यक्ष संजयकांत मिश्र जी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और साथ में मथुरा जनपद के सभी सामाजिक संगठन इस कार्य में हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं और उन सबके प्रमुख इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे कार्यक्रम में विद्यालयों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सभी विद्यालयों के प्रबंधक अपने बच्चों के साथ इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। कितने दिन से ये रहेगा? ये एक दिवसीय कार्यक्रम है, अभी प्रारंभ है, शुभारंभ कर रहे हैं हम। आगे से ही ऐसे कार्यक्रम परमानेंटली चलते रहेंगे और हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे कि हम इस ब्रज को इतना स्वच्छ बना दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद देखने के लिए इस कार्यक्रम को, और ऐसे कार्यक्रम दोबारा हों तो वो आएँ और ब्रज की तारीफ पूरे संसार के अंदर।